बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरतेहाल से कहीं हटकर आज हम बात करेंगे कि मुल्की मईशत किस सिमत जा रही है। हमने देखा कि श्रीलंका के चर्चे आम थे, वहाँ पर हालात ज़िंदगी भी आपने देखी, किस वजह से ये वहाँ पे हालात हुए इस पर भी बात करेंगे। फिर कुछ मुक्तदल हलकों से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को बहुत सारे जो मौशी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान उस तरफ नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और हमारे रवाबित बहुत सारे ममालिक से अच्छे हैं, हमारी जो मईशत है उससे अच्छी है, हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में क्या दुरुस्त सिमत जा रही है, या कि जिस तरह चमा गोइयाँ हैं कि कुछ हफ़्तों बाद ये हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है इसको भी गिरा दिया जाएगा, या खुद से शहबाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब असेंबली तहलील कर देंगे और निगरा सेटअप आ जाएगा। फिर जो डॉलर की उड़ान है वो डबल सेंचुरी से भी अब क्रॉस हो गई है, 201 रुपये का डॉलर हो गया। तो आम आदमी जो है, जो मतवसत तबका है, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाना क्या ये एक आखिरी हल था, और सिर्फ क्या IMF की तरफ ही देखना क्या यही हल है? आज जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है इन तमाम उमूर पर इनसे बात करेंगे। आप दोनों मारूफ बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं। आप CEO हैं Aeroplan.PK के, कई नेशनल कंपनीज के आप हेड हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी आप मालिक हैं। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप भी नेशनल इंटरनेशनल कई बिजनेस से आप वाबस्ता हैं, आप अडवानी फाउंडेशन के भी रुए रवा हैं, आप सेविंग होम के भी चेयरमैन हैं, इकबाल अडवानी साहब, अडवानी साहब आपका भी शुक्रिया। शकील साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुल्की सूरत हाल आपके सामने है, कैसे ये महंगाई कंट्रोल में होगी, फिर मैं आता हूँ श्रीलंका पर। देखिए, मुल्की सूरत हाल सबके सामने है और आपने अपने इंट्रो में हवाला दिया श्रीलंका का, तो रुख जो हमारी मईशत का है वो है तो उसी तरफ, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अगर तो अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं उसका एक ही मिसरा दोहरातोगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तो हिंदुस्तान हटा के उसकी जगह पाकिस्तान लिख लीजिए तो ये बात दुरुस्त हो जाती है। अब बात यह है कि उसके बावजूद मेरी ज़ाती राय भी ये है कि नहीं, इंशाल्लाह श्रीलंका जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा नहीं होगी, और उसकी वजह महज ये नहीं है कि मुल्क जो है वो एक एटॉमिक पावर है, बल्कि उसकी वजह यह है कि काफ़ी समझदार लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं। इशारों किनारों में ये बात बार बार होती है, जब कोई हुकूमत बदलती है या बदलने की जब कोशिश की जाती है, तो जो लोग अपनी ज़ाती राय में जब जिस तरफ इशारा करते हैं, तो वो बहुत सेंसिटिव और बहुत मुहिब वतन लोग हैं, और वो ये बात बखूबी हमसे और आपसे ज़्यादा गहरी निगाह रखे हुए हैं, तो वहाँ से कोई इस किस्म के इंडिकेटर नहीं है कि इस तरह की बदतरीन सूरत हाल जो कि श्रीलंका में पैदा हो चुकी है, हमारे यहाँ पैदा होने वाली है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए। आपने जो बात की कि जी क्या यही आखिरी हल है, नहीं, ये आखिरी हल नहीं है। इम्पोर्टेड चीज़ों पे और लग्जरी अशिया को पाबंदी लगाना ये पहला कदम है, इसको बहुत पहले लग जाना चाहिए था। ये जो गैर ज़रूरी आसाइशें हैं, हम इस किस्म के अयाशियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमारी मईशत अभी इस काबिल नहीं है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला संभाल लेंगे। ठीक है अडवाणी साहब, यही सवाल आपसे है, कैसे संभालेंगे इसको, किन किन चीज़ों को बुरेकार लाना होगा हमें, हुकूमतों को आप क्या एडवाइस करेंगे, आप लोगों का स्टेक है इस मुल्क में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान क्या, जो आपने सवाल किए, आपके दो तीन सवाल हैं एक साथ, कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पहला सवाल आपका ये भी इम्पोर्टेंट था। नहीं, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी कुछ काफ़ी वजूहत हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे कायम है कि आप देखें कि पाकिस्तान के पड़ोस में चाइना है, ठीक है, इस तरफ में आ जाएँ तो हमारे ईरान है, ठीक है, फिर दूसरी तरफ आ जाएँ तो इंडिया है और अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के साथ देखें तो रशिया है, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है, या पाकिस्तान को वेस्ट की ज़रूरत है, या पाकिस्तान को मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रियों की ज़रूरत है, तो उनको भी हमारी ज़रूरत है, ठीक है।
क्योंकि अगर हम पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे कायम है कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जितनी हमको है उससे ज़्यादा उनको भी है, तो हमको हर बार सपोर्ट सबसे मिलता रहेगा और रहेगा भी। हाँ, अब रहा सवाल कि इकोनॉमिकली हमको क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर जाएं, इन हालात से निकल जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है वो हमारी करेंसी डी वैल्यू है। ठीक है, अगर हमारी करेंसी को हम रीवैल्यू करते रहेंगे तो हम समझे कि हमको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। और महंगाई की सबसे बड़ी वजह ही रीवैल्यू है, क्योंकि ज़्यादा महंगाई नहीं हो रही जितनी हमको महसूस हो रही है, लेकिन हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है तो हम ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं तो अंडे टूडे महंगाई हो जाएगी, यही वजूहत है। तो हमको सबसे ज़्यादा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से रोकना पड़ेगा। उसके लिए इन लोगों ने स्टेप लिए हैं अभी 2-3 एक और, कि पहली चीज़ इन्होंने ये ली स्टेप के इम्पोर्ट पर बैन कर दिया। तो इम्पोर्ट पे लग्जरी आइटम में बैन कर देनी चाहिए, हमको बेसिक नीड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हम बेसिक नीड को, क्योंकि हम तो तकरीबन इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मकसद कह रहे हैं अब गंदुम भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अब बेसिक चीज़ों पर हम इम्पोर्ट रखें, बाकी चीज़ों को हमको बंद कर देने चाहिए। अगर ये स्टेप है इस पर कंटिन्यू अमल करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने बैन तो कर दिया है, अब इसमें स्मगलिंग कितनी बढ़ जाएगी उसको भी रोकना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम इंपोर्ट को बैन करें, फिर उसके बाद उसकी स्मगलिंग को भी रोकें, तब जाके हम डॉलर हमारा सेफ होता जाएगा। ये ज़रूरी जो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहले हमको इंपोर्ट रोकी, अच्छी बात है, इसके बाद हमको डी वैल्यू रोकना पड़ेगा। जब तक हम डी वैल्यू करेंसी नहीं रोकेंगे हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएगा, और जब तक हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएगा तो ना हमारा मुल्क चल पाएगा। क्योंकि हमको हम जिस हाल में अभी पाकिस्तान इकोनॉमिकली जिस हाल में है, हमें बड़े से बड़े बड़े इन्वेस्टर चाहिए पाकिस्तान के लिए। उसके लिए पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टर के लिए हमें करना पड़ेगा, अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो हर मुल्क में जाए पाकिस्तान के लिए। सर, वो टीम तैयार कौन करेगा, हुकूमतों को आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हुकूमत को करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आज जिसके पास हुकूमत है उसी ने करना है, वो टीम तैयार करे, हर मुल्क में भेजे। क्योंकि आपको पता है हमारे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, हम हिस्ट्री को अगर लेकर चले तो हमारे 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर आना हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं, आप 1974 में आपको ले जाओ, 1974 में हमने नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, नेशनलाइज करने का मतलब कि जिनका लोकल बिजनेस यहाँ पर था हमने वो भी लूट लिया। ठीक है, इसके बाद 20-25 साल बाद आप आ जाए 98 में, हमने 8वीं धमाके की, हमने डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए। ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो, क्योंकि हमको आजादी हुए 25 साल में हमने नेशनलाइज कर लिया, फिर 25 साल के बाद हमने डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो मुझे बताएं कि इस तरह का हमारी हिस्ट्री रही होगी, हमारे पास इन्वेस्टर किस तरह आएंगे? इसके लिए हमको टीमें तैयार करनी पड़ेंगी, हर मुल्क में भेजना पड़ेगा, मुल्क में उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आपके मुल्क में हम इस तरह के, हमारे मुल्क में आपको इस तरह की सहूलत देंगे। फिर हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारे एक और दूसरे हैं, इन्वेस्टर आ भी जाता है तो उसको एनओसी इतनी जगह पर लेने जानी पड़ती है कि वहीं थक जाता है। मैं आता हूँ आपकी तरफ, शकील अहमद सिद्दीकी साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक अच्छी नवीद सुनाई है कि माजी की हुकूमत तो सुरंगें बिछा के चली गई थी, लेकिन हम 100-150 शायद पेट्रोल पे ना बढ़ाएं, हम आम आवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे और सब्सिडी देंगे। तो 1-1.5 साल का वक्त है इस हुकूमत के पास, और पाकिस्तान की पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि तहरीक अदम से एक हुकूमत गई और एक नई हुकूमत आ गई। आपको लगता है कि ये जो नई हुकूमत है खातर ख्वाह कुछ आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? देखिए, नई हुकूमत को अपनी खुदगर्जी से निकलना होगा। ठीक है, तो मतलब इसका कोई हल निकल सकता है उनकी तरफ से? खुदगर्जी से मेरी मुराद ये है कि जब से ये नई हुकूमत आई है, इनका एक मसला ये है कि जी ये पेट्रोल की कीमतें सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि ये गैर मकबूल हो जाएंगे जी, इनको अपनी फिक्र ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, उस अपनी फिक्र के अंदर भी, और ये बिल्कुल हो सकता है जब ये पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा करेंगे तो यकीनी तौर पर उसके असरात तो होंगे, और असरात इनकी पार्टी के ऊपर ही होंगे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है ये सोचने की कि जी हमें, हमारे मुल्क को क्या ज़रूरत है, मुल्क को क्या चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर ऐसी कोई कोशिश होती है, ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, और ये दिनों की नहीं, आप देखें कि घंटों के हिसाब से हमारी मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं उस पर आप देखें तो एक यही मौजू है जो तसलसल के साथ जिस पर मतलब बात हो रही है, और इस पर इत्तेफाक की राय है कि जी हुकूमत ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रही है कि वो
गैर मकबूल हो जाएगी। अच्छा, हुकूमत के गैर मकबूल होने का मतलब यह है कि जो हमारी दोनों बड़ी सियासी पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में हैं और इनमें एक मौरूसियत भी है, इनके जो दीगर अराकीन असम्बली हैं या जो दीगर लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आपको एडजस्ट कर लेंगे, इनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक मुश्तरका कदम उठाने की ज़रूरत है और उसमें जो भी तरीका बन पड़े उसके अंदर एक कहा जा रहा है कि अब जो हुकूमत है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में चल रही है, ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये इनके पास एक्सपीरियंस है, माजी की हुकूमत के पास तजुर्बा नहीं था लेकिन वहाँ पे भी तो वही पुराने ही लोग थे, तो हल क्या होगा? क्या नए लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ आना होगा? देखिए, तजुर्बेकार लोग जो है उस हुकूमत में भी थे, जितने वज़राए खजाना उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में इस्तेमाल किए वो सारे के सारे हफीज शेख से लेके शौकत तरीन तक सारे तजुर्बेकार लोग थे, सारे माहिर लोग थे, कोई इन्होंने नया नाम ऐसा लेके सामने नहीं आया। असद उमर साहब को कुछ अरसे के लिए वो किया लेकिन असद उमर भी सलाहियतों में कम नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी बहुत बासलाहियत हैं, इसहाक डार भी बहुत बासलाहियत हैं, हमारे यहाँ सलाहियतों की हरगिज़ कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मसला जो है वो सिर्फ ये है कि जी जिस तरह से एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन लोगों ने जो सियासी जमातें हैं मिल बैठ के तय किया था और उस वक्त ये जो दोनों हुक्मरान पार्टियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो उनके अंदर जो एक दूसरे के साथ अदावत थी वो इससे कहीं ज़्यादा शदीद थी क्योंकि आज दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे लेकिन बिलाखिर वो मिल बैठे और मिल बैठने के बाद उन्होंने एक चार्टर जो है वो तय किया, तो काफ़ी अरसे से ये बात सुनने में आ रही है कि जी एक इकोनॉमिक के ऊपर भी इस तरह कोई चार्टर जो है वो तय पा जाए और इसके लिए अपनी अपनी अना से बाहर निकल के इन सियासी जमातों को देखना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वाहिद चीज़ जो वाहिद रुकावट है किसी ऐसे मुश्तरका प्लान के ऊपर इकट्ठा होने में वो अनाए हैं। ठीक है, अच्छा इकबाल अडवाणी साहब, सीज़न में हमने देखा है कि मार्च से लेके अभी हम मई में जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, अभी भी इस्लामाबाद को बंद करने की बातें हैं, कश्मीर रोड पर धरने की बातें हैं, इससे मईशत को नुकसान नहीं है? देखिए, मईशत को तो नुकसान होगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इनका कैलकुलेशन मुझे लगता है रॉन्ग हो गया। ठीक है, इनको मतलब हो सकता है कि कहीं हो सकता है कि इनको कुछ महसूस ऐसा हो रहा होगा उस वक्त कि भाई हमको ये रास्ता हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यही था कि जब इनके अदम एतमाद तहरीक आ गई थी और ये हार जाते फिर भी इनको असम्बली में बैठना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपको मैं आप एग्जाम्पल देता रहा हूँ कि वाजपेयी थे जो थे इंडिया के जी, वो एक वोट से हारे थे लेकिन उसके बाद दोबारा वो दो बार प्राइम मिनिस्टर बने। तो इमरान खान की मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने एग्रेसिव मूड में आ गए, पार्लियामेंट छोड़ दी। हाँ, पार्लियामेंट छोड़ दी, फिर बाद में उन्होंने ये जो एहतजाज करना शुरू कर दिया। एक सियासतदान है जो जिसका पब्लिक के अंदर वोट बैंक है उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको इतना एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी। उनको पार्लियामेंट में बैठना था और पार्लियामेंट में अगर वो बैठते तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये तो इस तरह से बनी हुई है कि इनके साथ इनको खुद को चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप लेकिन बार बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई एक इतना बड़ा दुश्मन आ जाता है तो उसको देख के ये लोग यूनाइटेड हो गए। ऐसा ही है, पहले भी ये यूनाइटेड इमरान खान साहब ने इनको किया और अभी भी ये यूनाइटेड इमरान खान साहब की वजह से है। अगर ये पार्लियामेंट में बैठते सही तरह से अपोजिशन करते मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात भी अच्छे रहते और इनको भी फायदा होता। रेट करें सर, अगर आपसे रेट करवाऊँ, आप कई मुल्कों में आपके बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान में भी आपका स्टेक है बहुत बड़ा, आप रेट करें माजी की हुकूमत की पॉलिसी से आप बिजनेसमैन किस हद तक मुतमईन थे? आपको लग रहा था कि हम ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहे हैं? माजी मतलब इमरान साहब की हुकूमत? नहीं नहीं, असल में प्रॉब्लम ये था कि वो तो फर्स्ट टाइम आए थे और उनको देखें आपकी गवर्नमेंट जो भी है एक प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता, उसकी पूरी टीम चलाती है। ठीक है, जिनको आप करप्टेड कहते हो, जिनको आप चोर डाकू कहते हो, आप उन्हीं की टीम के तो बंदे अपने साथ लेकर चल रहे हो। आपके लेफ्ट और राइट पे वही बंदे हैं, वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों में थे, वो वहाँ से छोड़ के आपके पास आए, तो आपका नीचे का नीचे की जो भी टीम है जो चला रही है काम वो तो वही है। तो ये चीज़ तो आपने पहले से सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है इनको सही तरह से हुकूमत करने नहीं आई। आप देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ कि जहाँ भी आप देखें जितने भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, साढ़े तीन साल चार साल इन्होंने हुकूमत की, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि वो ख़राब है, वो करप्टी है, वो ये है, वही डाकू गुंडे सब सही है, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये कहा
कि हमने क्या किया, क्योंकि इनके पास खुद के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मतलब इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो ये खुद भी समझते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर मेरे जैसा बंदा इनकी गवर्नमेंट की किस तरह तारीफ करे कि ये खुद अपनी तारीफ करने की पोजिशन में नहीं है। कहेंगे अपने बारे में इन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने ये चीज़ें की, बिजनेसमैनों को यूं फायदा पहुंचा, मुल्क को ये फायदा पहुंचा, जब जिसकी गवर्नमेंट थी, जिनकी गवर्नमेंट थी, वही अपना वही ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो अभी मेरे जैसा बंदा कैसे उनको डिफेंड कर सकता है। चले, बहुत अच्छी बात की आपने। शकील साहब, यही सवाल आपसे कि काम करने नहीं दिया गया, या कि जिस तरह आडवाणी साहब ने कहा कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, किस तरह हमने ब्यूरोक्रेसी को लेके चलना है, किस तरह मामलात को लेके चलना है, या कि आपको लगता है कि नहीं, जो टारगेट थे वो साबिक हुकूमत ने अचीव कर लिए थे? मेरे ख्याल है कि जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनके शुरू के 2 साल तो मुश्किल थे, और ना तजुर्बेकारी की वजह से कुछ जो उनके फैसले थे जो उसमें नज़र भी आते थे, और बारी बारी वज़रा ख़जाना को तब्दील करना भी, या फिर FBR के चेयरमैन जिस तरह तब्दील हुए उससे नज़र आता था, लेकिन ये स्टेबल हो गए थे। और कुछ काम इनके बड़े आउट क्लास, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे कि आपका रेमिटेंस अचानक बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका एतमाद जो है वो कई हवालों से बढ़ा, और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ, अच्छा, ये जो रेमिटेंस जो हमारे यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, ये सोने का एक ऐसा अंडा है जो अपने वक्त पे ही आता है। इसको कोई बदनवान सियासतदान अगर चाहे ना कि इसको उस वक्त खा जाए, तो वो उस महीने के या उस मुख्तसर दौरानिये के पैसे तो वो कर सकता है, लेकिन अगले महीने उन लोगों ने जो गैर मुल्की, जो बैरून मुल्क में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो वो रकम वहाँ से भेजते हैं, वो अपने टाइम पर फिर आ जाती हैं। तो ये जो रेमिटेंस है, इससे हमारी मईशत को एक बड़ा फ़ायदा हो। फिर अगर हम गरीबों की बात करें, तो एहसास प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही आउट क्लास जिस तरह से मतलब उन्होंने वो किया, उसमें फिर कामयाब जवान प्रोग्राम को उन्होंने शामिल किया। तो आखिर वक्त के अंदर ये जो हमारा GDP की जो ग्रोथ है वो 5% से ऊपर जा रही थी, और हमारा ये जो IMF है, IMF को भी एक एतमाद हासिल था, और जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे वादे थे जो दो सुमालिक थे। सॉरी फॉर इंटरप्ट, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब आज भी कह रहे थे कि बारूदी सुरंगें बिछा के गई, बड़े ऐसे मुआहदे करके गई माजी की हुकूमत, जो कि आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट पब्लिक किया जा सकता है? नहीं, वो जो उनका जो इशारा है मिफ्ता इस्माइल साहब का, बारूदी सुरंग जब वो कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो कौमी ख़जाने से जो सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर दी जाने लगी, और उसके लिए अलग से कोई रकम नहीं रखी गई। वो बार बार ये बात कहते हैं, हाँ, कि जी वो रकम कहाँ है जो कि आप पेट्रोल और डीजल को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, तो आपने ये कहा था कि जी वो हमने उसके लिए अलग रकम मुख्तस की है, वो कहाँ है, वो तो आप कौमी ख़जाने से दे रहे हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब का जो है वो ये उनकी सियासी चाल थी, और इसी मुश्किल में आके ये हुकूमत फंसी भी है कि जी अब वो जो वादा कर गए थे कि जून तक मैंने इसकी कीमतें नहीं बढ़ानी है पेट्रोल की और डीजल की, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि हर एक हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद उसको रिव्यू किया जाता है और कीमतों में इजाफा या कमी की जाती है। तो अब जब आपने ऐलान कर दिया कि जून तक बढ़ानी नहीं है, और उससे पहले हुकूमत तब्दील हो गई, तो अब अगर नई आने वाली हुकूमत उन कीमतों को बढ़ाती और इतना ज़्यादा बढ़ाती है कि वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं, तो ये बारूदी सुरंगी तो है ना, उनका इशारा इसी तरफ है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बात की जाती थी, आपने भी बात की, उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो करें, वो यहाँ पे आके अपने बिजनेसेस करें, जिस तरह अडवाणी साहब ने पॉइंट उठाया कि उनको इतनी सारी NOCs और इतने मामलात में उलझाया जाता है, तो फिर वो इंटरेस्ट तो नहीं करते, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए? क्या माजी हुकूमत ने किया, और क्या अब जो हुकूमत है वो करने में आपको लगता है कि इंटरेस्टेड है? देखिए, जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम बराहरस बात कर रहे होते हैं इंडस्ट्री लगाने की। बगैर इंडस्ट्री लगाई जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इसके ऊपर अगर हम इनसार करते हैं, और एक हद तक तो दुरुस्त तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अलीबाबा और अमेज़ॉन तर्ज की जो पोर्टल हैं वो आप लॉन्च करें, और उस तरह की सहूलियात दें PayPal को, यहाँ पर आप पे जो उस पर पाबंदी, हाँ, लगा रखी है, हाँ, उसको आप अलाउ करें, ई कॉमर्स को फ़रोग दें, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो आपके मुल्क को कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। वरना आपको जो रिवायती इंडस्ट्री है
उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी। आप मोबाइल फ़ोन जैसे आपने यहाँ बनाने शुरू कर दिए, बेशतर चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको यहाँ मुल्क में बनाई जा सकती हैं और बनानी चाहिए, तो उसकी तरफ अगर हमारा वो होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब हम बात करते हैं कि जो उनसे जो रेमिटेंस आता है, वो बेचारे वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, वहाँ कोई मिले नहीं चला रहे हैं वो लोग, कि वहाँ से वो तजुर्बा भी लाएँ और पैसे भी लाएँ। तो जब हम सरमाए की बात करते हैं और एक बड़े सरमाए की बात करते हैं, तो फिर हमारा इशारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी तरफ नहीं होता, बल्कि उन गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ होता है कि जो इंडस्ट्री लगाने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, ना उनके पास ये सलाहियत है, ना उनके पास ये अहलियत है। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि जो अभी ये फरमा रहे थे कि जी वो माहौल दिया जाए और वन विंडो ऑपरेशन हो, और लोगों को टैक्सीज के अंदर, लोगों को इंडस्ट्री लगाने में जो उनको परेशानियां होती हैं, जिस खौफ का वो शिकार होते हैं, रुपए को जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से वो डी वैल्यू हो रहा है, ये सारे वो खौफ हैं जिसकी वजह से जो हमारा गैर मुल्की सरमायाकार है वो हमारे यहाँ आते हुए डरता है। कैसे क्या क्या एडवाइस करेंगे इकबाल अडवाणी साहब आपके, कैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को एंटरटेन किया जाए, या जो इंडस्ट्री लगाने के की हैसियत रखते हैं, जो यहाँ पे बिजनेस अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, उनको हुकूमत कैसे सहूलतें दे, कौन सी सहूलतें दे? देखिए, हुकूमत सहूलत देना भी चाहती है कि नहीं, सवाल तो पैदा ये हो रहा है। मुझे नहीं लगता हुकूमत किसी इन्वेस्टर को सपोर्ट करना चाहती हो। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसकी वजूहत मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो आप देख लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रिमिटेंस के हवाले से हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करता है ना, वो मैन पावर ही कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपके हर साल जो रिमिटेंस बढ़ते हैं उसकी वजूहत ये है कि आपका मैन पावर हर साल बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, ऑलरेडी जो बाहर होते हैं वो, और बाकी जो हर साल नई खपत जाती है जो, तो उसकी वजह से आपके रिमिटेंस तो बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब आप इसको यूँ नहीं समझते कि अगर रिमिटेंस आ रहे हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, अपने फैमिली को, अपने खानदान को, इन्वेस्टर तो नहीं आ रहे ना वो भी, क्योंकि उनको भी पता है इन्वेस्ट करें कैसे, क्योंकि इन्वेस्ट तो कर नहीं पाते, कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया गया उन्हें। तो अगर हम कभी भी हमेशा हम लोग सीना थोक के बात करते रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत पैसा भेज रहे हैं, बहुत पैसा भेज रहे हैं, वो अपने खानदानों को भेज रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, या कुछ प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं अपने आप को सेव करके, सिक्योर करके, यानी इन्वेस्टर नहीं आ रहा इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुछ इस तरह से। उसके लिए तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले डी वैल्यू रोकनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू होती रहेगी तो कौन इन्वेस्टर आएगा? कोई नहीं आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी भी नहीं आएंगे, दूसरे भी नहीं आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि वो मौजूदा हुकूमत इस क्राइसिस से निकाल सकती है। और मिफ्ताह इस्माइल साहब की जो एक्सपर्टीज है उस पर आप बिलीव करते हैं? देखें, मौजूदा हुकूमत सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पर है? इतनी कंफ्यूज ये हुकूमत है, उसकी वजूहत है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसे भी हालात होंगे गवर्नमेंट के, जो भी यानी जितनी भी महंगाई होगी, जो वोट बैंक डैमेज होगा वो सिर्फ नून लीग का होगा, पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, ना फजलुर रहमान का होगा, क्योंकि यही दो पार्टियाँ आगे हैं ना। तो डैमेज कौन सी होगी पार्टी? वो होगी नून लीग। अब नून लीग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपस में डिवाइड है। उनको ये लग रहा है कि अगर हमने स्टेप ले लिए, महंगाई कर दी, सब कुछ कर दिया, और हमारी चार महीने के बाद गवर्नमेंट चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट खड़ी है सिर्फ दो चार वोटों के ऊपर। कभी भी एक पार्टी भी, यानी इत्तेहादी में एक पार्टी भी जरा राइट या लेफ्ट हो गई तो इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। अब ये डर रहे हैं कि हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने चाहिए, अगर इस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर सब अपनी अपनी भी सोच रहे हैं ना, वो अपने वोट बैंक बचाना चाहते हैं, उनको डर है कि हमने डिसीजन ले लिए तो हमको नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये लोग इस चीज़ से निकल पाए, क्योंकि ये स्टेप लेने में डरेंगे, नहीं ले पाएंगे, इनको खुद को नहीं पता कि हम एक साल रह पाएंगे, डेढ़ साल रह पाएंगे, तो स्टेप कैसे लेंगे। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी और ये कंटिन्यू चलेगी। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। नौजवान फॉरेन मिनिस्टर, हमने देखा कि बिलावल साहब को ये मनसब दिया गया और उन्होंने दौरा भी किया, अमेरिका में दौरा किया, और उन्होंने कहा कि हम भीख मांगने पर बिलीव नहीं करते, हम ट्रेड पर बिलीव करते हैं। चाइना भी गए, वो वहाँ पर भी उन्होंने केक काटा। आपको लगता है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं वो ये हुकूमत बेहतर बनाने में कामयाब हो रही है, या कि माजी की हुकूमत सेट जा रही थी, या उनसे कोई मिस्टेक हुई थी कि हम ताल्लुकात दुनिया से बनाने में नाकाम रहे? आपका सवाल मुझसे? जी जी, आपसे। देखिए, बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है
वो जो कुछ हम टीवी पर देख रहे होते हैं वो बिहाइंड तय हो रही होती है, और ये इतना हसास और इतना सीरियस मामला होता है कि जी ऐसा नहीं है कि बिलावल जो है वो बाहर गए और जाके उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ कह दिया, तमाम चीज़ें उन पे पहले से। क्रिटिसाइज भी कर रही है ना ओपोजिशन के, इस अभी इसकी उम्र नहीं है, अभी बच्चा है, और ये कैसे बना दिया, तो क्या कॉम्पिटेंस नहीं है? नहीं, अपोजिशन को तो उस पर तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन की तो ये इस वक्त सांसें हैं ना। जी अपोजिशन को तो किस्मत से या तो उन्होंने अच्छे पत्ते खेल लिए, या फिर यह है कि उसका जो नतीजा इस वक्त लोग देख रहे हैं जलसों की सूरत में, वो उनके तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा निकल आया। तो उनको तो ये करना चाहिए, उनका उनके तो ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज बढ़ रहा है ना। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर होता है वो अपनी मर्जी से इस तरह के ना तो ऐलानात करता है, ना इस तरह अपनी मर्जी से लोगों से मिलता है। ये तमाम चीज़ें एक आला सतह के ऊपर, जिसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है और हमारी जो जो दिगर क़ुतें हैं वो भी शामिल होती है, उनका एतमाद लेकर वो मैंडेट लेके जाता है। तो इस यही वजह है कि आप उनसे मुल्क से बाहर किसी फॉरेन मिनिस्टर से किसी गैर जिम्मेदाराना बयान की आप तवक्को कर भी नहीं सकते। और अभी मैंने एक बाजगश्त सुनी थी कलवल के दौरे रूस से मुतालिक, जो इमरान खान साहब पे जो तनकीद हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग मुल्क के अंदर करती हैं, तो बिलावल भुट्टो ने बाहर उसको उनका डिफेंड दफा किया, किया। उसको जी डिफेंड किया। जी बिल्कुल तो इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जाकर और गैर जिम्मेदाराना बयान देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है सिरे से। तो वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, वो अपनी वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इत्तेफाक की राय मौजूद है पीछे से। हम आईएमएफ की तरफ, ये हुकूमत हमने देखा है कि डे फर्स्ट से आईएमएफ आईएमएफ रिट लगाई हुई है कि आईएमएफ पैसा देगा तो हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। पड़ोसी ममालिक बहुत सारे हैं, हमने सऊदीया से हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, चाइना से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या वहाँ से कोई पैकेज, कोई माली कोई हो सकता है, या कि हुकूमत को अब आईएमएफ से हट करके और भी जाना चाहिए? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर जब ये मुश्किल वक्त था, तो उन्होंने दुबई से, उन्होंने सऊदी अरब से, उन्होंने चाइना से, यही तीन ममालिक हैं जो पाकिस्तान के लिए आगे आगे रहते हैं। तो ये अब भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो हमारे यहाँ का एक आम आदमी है उसको ही यकीन नहीं है। और जैसा कि अभी फरमा रहे थे कि जी हुकूमत में जो लोग इस वक्त शामिल हैं खुद उनको यकीन नहीं है कि जी उनकी ज़िंदगी कितनी है, उनकी मतलब हुकूमत की ज़िंदगी कितनी है। तो जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं, जिनसे आप पे अरबों डॉलर की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो वो तो बड़ी गौर से आपके यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है उस पर नज़र रख के बैठे होते हैं। तो वो किसी भी ऐसे शख्स से कोई वादा, क्योंकि रकम आपको जो दी जा रही है जिसको क्या आप इमदाद कहते हैं, वो असल में उधार रकम होती है जो आपको वापस भी करनी होती है, उसके साथ कंडीशन होती हैं। चले तो वो चले, लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और आप लोग भी गालबन या आप लोगों ने सुना होगा कि जो हुकूमत आती है वो कहती है खजाना खाली है। जी खजाना खाली है। मैं अडवाणी साहब पहले चाहूंगा आप इसका जवाब दें। आज जब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा कि जी हम तो बड़ा फंस गए हुकूमत लेके, यहाँ पे तो बारूदी सुरंगे हैं, हर तरफ से हम क्राइसिस में हैं। जब खान साहब को हुकूमत मिली थी तब वो भी ये कह रहे थे, माजी में भी ये कहा जाता है, ये ऐसे क्यों, और जब हुकूमत चल रही होती तब तो सब सही होता है। जी अडवाणी साहब, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर उठा के देखें ना, तो जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को के बारे में यही बात कर रही है ऐसे ही है। कि मुल्क को तबाह करके चले गए और अब हम क्या करें। ये पॉइंट स्कोरिंग है या फिर इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये तो हमारा वो हो गया, एक बोलते हैं परंपरा है हमारे, यानी हिस्ट्री से आप अच्छा, देख ले, कोई भी आप गवर्नमेंट आए 92 से ले लें, आप जब से भी हाँ जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से ले लें, इससे पहले से ले रहे हैं, हाँ तो हम लोग में प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास ये है कि हमको खुद को हम मुझे लगता है जो नई गवर्नमेंट आती है पहली चीज तो उनको यही नहीं पता होता है कि इनकी गवर्नमेंट चलेगी कितना टाइम, सही तो ये वो खौफ होता है जिसके लिए किसी चीज की वो ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो पहले से ये ग्राउंड बना लेते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमको जो गवर्नमेंट मिली है बिल्कुल डिफॉल्ट करके मिली है, तो वो अपने आप को पहले से एक तैयारी कर लेते हैं कि अगर 2 साल या 3 साल या 1 साल में हमको जाना पड़े तो हम पहले से अपने आप को तैयार रखें कि हमारे को कुछ दिया ही नहीं गया तो हम किस तरह गवर्नमेंट करते हैं। तो ये एक समझे कि रवायत बन गई है ये। हाँ, रिवायत बन गई हमारे मुल्क में कि ये चलता रहता है। बाकी था आपका एक सवाल था आईएमएफ के हवाले से जी कि हमको आईएमएफ के अलावा कहीं जाना चाहिए या हमको दूसरे जी ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं वो जी सपोर्ट करें।
तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम IMF के पास अगर मुआहिदा हमारा नहीं होता, अगर हम IMF से मुआहिदा नहीं कर पाएंगे तो ना हमको सऊदी अरब मदद करेगा, ना UAE करेगा, ना चाइना करेगा, ना वर्ल्ड बैंक से हमें कुछ मिलेगा, ना एशिया बैंक से मिलेगा। तो हमारे लिए IMF से मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान का मुआहिदा IMF से नहीं होता तो फिर आप ये नहीं सोचें कि आपको कोई भी मुल्क सपोर्ट करेगा, किसी मुल्क से आपको इमदाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको खुद को अपने पैसों की सिक्योरिटी नहीं लगेगी कि आपके पास अगर IMF में आप नहीं हो तो वो लगेंगे कि इस मुल्क सिक्योर नहीं है तो कोई आपको उधार देगा नहीं। जी शकील साहब, मैं चाहूँगा लास्ट में आप भी। जी बिल्कुल, देखिए खजाना खाली की जो बात है वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की हद तक है। 21 अरब डॉलर खजाने में मौजूद थे जिस वक्त ये मौजूदा हुकूमत जो 1.25 महीने पहले आई है, तो 21 अरब डॉलर के अलावा 16 अरब डॉलर जो है वो स्टेट बैंक के ज़खायर थे। तो तारीख में इतना खजाना कोई हुकूमत छोड़ के नहीं गई, किसी दूसरी हुकूमत देखे कभी नहीं गई। और इसी किस्म की सूरत हाल जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, माजी में गालिबा नवाज शरीफ का दौर हुकूमत था कि जब मुल्क में सिर्फ 0.5 अरब डॉलर रह गया था कुल कौमी खजाना, और हम वहाँ से निकल आए थे 0.5 अरब डॉलर से। तो अब जो 21 अरब डॉलर हैं वो कोई 5 या 6 अरब डॉलर जो है वो जो आप सब्सिडी दे रहे हैं उसकी वजह से आप लॉस कर गए हैं, तब भी आप 16 अरब डॉलर के ख़जाने के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जैसी पेश की जा रही है। हाँ अलबत्ता ये कि वो ऐसा ना कहें तो फिर क्या कहें वो। हाँ मतलब आपको लगता है कि ये क्राइसिस से निकल जाएगा? ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। चले जी इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।